सबसे पहले हमें असेंशियल चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। मैं यहाँ पे पहले तो सब्जेक्ट की फ़ोटो लेके आता हूँ, एज वेल एज़ जैकेट की फ़ोटो लेके आता हूँ। जैकेट की फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड है, इसे रिमूव करना होगा। एंड मैं अभी के लिए पहले तो मेन्यू से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन्वर्स कर देता हूँ ताकि बाकी का एरिया सेलेक्ट हो जाए। इसे डिलीट कर पाए तो इसलिए हमें इसको रास्टराइज भी करना होगा, और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। एज वेल एज़ कंट्रोल डी करके मैं डी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ। जैकेट को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे जैकेट को पीसेस में बदले बांटेंगे। मेनली यहाँ पे ऐसे तरीके की जैकेट के लिए हमें दो पीसेस में उसे कट करना होता है। एंड एज वेल एज़ यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल जे से कॉपी कर ले रहा हूँ और इसे मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से, कंट्रोल टी से मूव होता है। एंड बेसिकली यहाँ पे इसको प्रॉपरली रखने के बाद हमें इसके अंदर ओपेसिटी कम कर लेनी है ताकि हम देख पाएँ कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से शोल्डर की पोजीशंस वगैरह एकदम प्रॉपर है या नहीं। एज वेल एज़ मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रैप करता हूँ। रैप ऑप्शन के थ्रू हम अपनी इमेज की डिटेल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से यहाँ पे हमें ठीक है, लेकिन ये जो इसका बेसिकली आर्म जो है बेसिकली वो फोल्ड करने के लिए हमें पपेट रैप का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बेसिकली इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पहले जैकेट की एंडिंग पार्ट को, एंड इसे हमें इरेज भी करना होगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मास्किंग का। तो मास्किंग के लिए यहाँ पे नीचे एक आइकन दिया रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करके ब्लैक और वाइट कलर से पेंट कर सकते हो। ब्लैक का मीनिंग होता है हाइट, वाइट का मीनिंग होता है विजिबल। तो मैं ब्लैक यूज़ करूँगा अभी के लिए क्योंकि मुझे हाइड करना है डिटेल। एंड इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि हल्का हल्का इरेज, अभी मेरे ब्रश का साइज़ गलत है तो यहाँ पर मैं हार्डनेस को फुल करता हूँ एंड साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एज़ वेल एज़ यहाँ पर मैं इसको अब धीरे से इरेज करूँगा। मैं इस वाले पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। इरेज करते वक्त ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा कि मैंने फ्लो कितना लिया हुआ है और ओपेसिटी कितना चल रहा है अभी, तो ये सभी सेटिंग्स का भी ध्यान रखना। एंड यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ एंड बेसिकली हाथ को भी मैं रिवील करूँगा क्योंकि जैकेट लॉजिकली उसके पीछे होना चाहिए। अब दोबारा से रैप करके मैं थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करूँगा क्योंकि शर्ट हल्का सा बाहर दिख रहा था, ओरिजिनल वाला शर्ट। एंड इसको टिक लगाएंगे एंड एज वेल एज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँगा पपेट रैप के थ्रू। जैसे कि मैंने कहा था कि जो आर्म वाला हिस्सा है तो वहाँ से हमें पपेट रैप यूज़ करना होगा। इसके लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना दूंगा। इन सभी पॉइंट्स का मेन मोटिव है कि ये इन बाकी चीज़ों को मूव नहीं करने देगा, मेरे को एक सिंगल पॉइंट ही मूव कर रहा है लास्ट वाला। इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट है इसे ठीक करूँगा। अभी जैकेट थोड़ा थोड़ा फूला फूला सा लग रहा है लेकिन बहुत जल्दी हम इसको भी फिक्स कर देंगे। पहले हम इसको इस तरीके से लगाते हैं, ये पॉइंट थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, टिक लगा देते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरी साइड है उसको भी मैं इस तरीके से ही लेके आऊँगा एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर अभी के लिए देखता हूँ थोड़ा सा और करेक्शन की यहाँ पर चांसेस हैं। जैसे कि यह हाथ जो है बाहर की तरफ नहीं है तो यहाँ पे ही हम हल्का सा इसको भी इरेज़ कर देंगे। इरेज़ नहीं, मास्किंग यूज़ कर रहे हैं तो हाइट बोल सकते हैं, हम हाइट कर देंगे। एंड अभी के लिए मैं दूसरा पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी सेम तरीके से ही इसे एडजस्ट करूँगा। प्रोपोर्शनली मेंटेन करने के लिए अगेन रैप करूँगा यहाँ पे मैं। एंड एज वेल एज़ जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि काफ़ी परफेक्ट तरीके से ये बैठ जा रहा है यहाँ पे, लेकिन स्टिल जो बची कुची कमी रह जाएगी उसको हम फुलफिल करने के लिए लिक्विफाई इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं लास्ट में।
ये भी एडजस्ट हो गया है, अब इसके अंदर भी हम इरेज करेंगे। जैकेट तो पूरी तरीके से फिक्स हो गई है यहाँ पे। अब जैकेट की वजह से जो आने वाला शैडो होता है वो भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने कंट्रोल आई प्रेस करके उसे प्रॉपरली ब्लैक कर दिया है, मास्किंग मतलब। अब मैं व्हाइट कलर से उसे ड्रॉ कर सकता हूँ जहाँ जहाँ मुझे वो ब्लैक इफेक्ट अपीयर करवाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लेवल का एडजस्टमेंट यूज़ किया है, जैसे कि आपने देखा। एक सॉफ्ट शेडो से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट लाइटनिंग के हिसाब से शेडो हो रही है। जहाँ पे भी डार्क दिखे आपको, वहाँ पे आप एक्स दबा के इरेज कर सकते हो। एक्स एक्चुअली कलर स्विच करने के काम आता है, तो अगर आपको नहीं आता है तो बेसिकली साइड से ही वाइट और ब्लैक कलर ले सकते हो आप। अब हम सभी को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे एंड अब बेसिकली इसके अंदर हम एक कॉपी निकालेंगे और कंट्रोल ई करके मर्ज कर देंगे। अब इसको हम लेके जाएंगे लिक्विफाई के लिए एंड यहाँ पे फिल्टर में मिलता है ये वाला ऑप्शन, जिसके थ्रू आप देख पा रहे हैं साइड में मैंने यहाँ पे जो पहला वाला टूल लिया हुआ है उसके बेस पे ही आप बस इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो बेसिकली अपने बॉडी के हिसाब से आप इसको फिट कर सकते हैं अगर अपने फ़ोटोशूट के ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो। अभी के लिए जिस तरीके से, जैसे कि ये जो आर्म वाला पार्ट है तो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसको हम फिक्स कर रहे हैं, वैसे ही आप भी खुद फिक्स कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि मैंने यहाँ पे जो हाथ है उसे प्रॉपरली रिवील नहीं कराया, मैंने मर्ज उससे पहले कर दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं हाथ को थोड़ा सा रिवील करवा रहा हूँ, और ये अगर आप पहले से ही सही से इसको बेसिकली इरेज कर देंगे तो यहाँ पे आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए वाले स्टेप मैं नहीं समझा रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे कि दूसरे साइड की आर्म को मैंने फिक्स किया था, थोड़ा सा इरेज किया था उसके कफ को, तो बेसिकली वैसे ही आप इस चीज़ को भी फिक्स कर सकते हो, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हल्का सा शेडो देके थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट यहाँ पर मैं डालेंगे।